सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम कुमार वर्मा अहम रायपुर जिला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्याकरण मध्ये अंतर्गते धातु रूप विषये धातु रूप प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्रिया के विषय में क्रिया किसे कहते हैं जैसे हम हिंदी में देखते हैं विभिन्न शब्द जिसमें एक ना लगा होता है जिससे किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है ऐसे शब्दों को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं क्रिया के मूल शब्द को या कहें कि क्रिया के मूल रूप को ही संस्कृत में धातु कहते हैं संस्कृत में यह व्यवस्था है कि कोई भी पद बिना प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता है उसके लिए कहा जाता है सुपतिगंदम पदम अर्थात उसमें सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय लगा हो तभी वह संस्कृत के किसी वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है सुप प्रत्यय जो है वो शब्दों के साथ लगता है लेकिन ये जो तिंग प्रत्यय हैं जैसे आप पढ़ते ना तीत अंत इस तरह से तो ये जो तिंग प्रत्यय हैं इनका योग धातुओं के साथ होता है तो धातुओं के साथ तिंग प्रत्यय का योग होने पर धातु का रूप बनता है जैसा कि आप सभी जानते हैं संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं संस्कृत में आ, यास्क निरुक्त नामक अपने पुस्तक में धातुओं के संदर्भ में कहा है क्या कहा है सर्वाणी आख्यात, आख्यात जानी अर्थात सभी नामों की उत्पत्ति आख्यात धातुओं से हुई है और धातु रूप बनाने के लिए धातु में प्रत्यय का योग किया जाता है जिन्हें हम तिंग प्रत्यय के नाम से जानते हैं ये जो तिंग प्रत्यय हैं इनकी संख्या कितनी है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने तिंग प्रत्ययों की संख्या अठारह हैं जिन्हें परस्मय पद और आत्मनयपद इन दोनों पदों में बराबर विभाजित किया गया है अर्थात जो अठारह तिंग प्रत्यय हैं उनमें से नौ जो हैं परस्मय पद के और नौ आत्मने पद के प्रत्यय हैं प्रत्येक प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुसार भिन्न भिन्न हैं देखिए जब हम धातु रूपों की चर्चा करते हैं तो धातु रूप जो हैं वे तीन पुरुषों में इसके रूप बनते हैं कौन कौन से तीन पुरुष वे तीन पुरुष हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसी तरह से धातु रूप जो है तीन वचनों में चलते हैं कौन कौन से एक वचन द्विवचन और बहुवचन जैसे वचन के विषय में आप जानते हो वचन से तात्पर्य होता है संख्या संख्या का बोध होता है जैसे एक की संख्या हो तो वहाँ एक वचन कहते हैं दो की संख्या हो तो उसके लिए हम द्विवचन कहते हैं तीन या तीन से अधिक की संख्या के लिए बहुवचन पद का प्रयोग किया जाता है ऐसे ही जब हम बात करते हैं पुरुषों की तीन पुरुषों की, की चर्चा करते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की तो ये तीन पुरुष में कौन कौन से कर्ता आएंगे कौन कौन से शब्द आएंगे इसकी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए तो पहला तो ये कि विभिन्न पुरुषों में कौन कौन से कर्ता पद आते हैं ये हमको जानना आवश्यक है तो कर्ता पदों के ज्ञान के लिए एक विधायक सूत्र है वह सूत्र है अहम आवाम वयम अहम आवाम वयम उत्तमा तव युवाम यूयम मध्यम अन्य तो स्मृत सर्वदा प्रथम पुरुषा तो इस तरह से अब देखेंगे अहम आवाम वयम जो हैं ये तीन शब्द ये तीनों शब्द सदैव उत्तम पुरुष के कहे जाते हैं इसी तरह से तव युवाम और यूयम ये तीन शब्द मध्यम पुरुष के स्वीकार किए जाते हैं इसके अतिरिक्त और जितने भी शब्द हैं चाहे वे संज्ञा हो या सर्वनाम हो वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते इसलिए कहा गया अन्य तो स्मरेत। अन्य जो हैं अहम आवाम वयम और त्व युवाम यूयम के अतिरिक्त अन्य जो भी हैं वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत तीन शब्द अहम आवाम वयम मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्व युवाम और यूयम और प्रथम पुरुष के अंतर्गत जैसे आपका अपना नाम ये भी क्या है अहम आवाम वयम और त्वम युवाम युयम से भिन्न है इसलिए आपका नाम भी क्या होगा वो प्रथम पुरुष का होगा तो इसी तरह से जैसे हम बालकह कहते हैं या बालिका कहेंगे बालिका के स्थान पर आप सह कह सकते हैं बालिका के स्थान पर सा कह सकते हैं जैसे फलम कहते हैं फलम के स्थान पर तत् कह सकते हैं तो ऐसे बालकह बालिका या फलम ये जो हैं वो क्या हैं ये सभी प्रथम पुरुष के हैं इसी तरह से इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं जैसे वह बालक के लिए भी हम कहेंगे बालक के लिए क्या कहेंगे सह का प्रयोग करेंगे और बालिका के लिए सा का प्रयोग करते हैं और फलम के लिए तत् का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के जितने भी सर्वनाम हैं वे सभी क्या होंगे वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं प्यारे बच्चों आप जानते हैं संस्कृत में जितनी धातुएं हैं उन सभी धातुओं को विभिन्न गणों में विभाजित किया गया है गणों की संख्या कितनी है आप जानते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा गणों की संख्या दस हैं कौन कौन से गण हैं उन दस गणों में से प्रथम गण हैं भवादिगण। देखिए भवादिगण जो कह रहे हैं इसका नाम भ्वादिगण क्यों पड़ा क्योंकि इसका जो नेता धातु है वो है भू भू धातु होने के कारण से भू आदि इति भुआदि यहाँ पर संधि हो गई भू धन आदि इति भ्वादि बन गया तो भू जो है क्या है वो नेता धातु है इसलिए इस गण का जो नाम पड़ गया वो गण पड़ गया तो इसी तरह से और भी अन्य जितने भी गण हैं उनके जो नेता धातु है उसके आधार पर उस गण का नामकरण किया गया है तो प्रथम गण है गण इसका नेता धातु है भू दूसरा गण है गण इसका नेता धातु है अध तीसरा गण है जो हो त्यादि गण इसका नेता धातु है हु चतुर्थ है दिवादि गण इसका नेता धातु है दिव इसी तरह से पंचम स्वादि गण इसका नेता धातु है सु जैसे भू से भव बनता है वैसे ही स्वादिगण जहां कहा गया हुआ क्या क्या हुआ सुधन आदि इति स्वादि हुआ तो स्वादि गण इसका नेता धातु है सुम है ष्ठ है गण तुद इसका नेता धातु है गण रुध इसका नेता धातु है गण इसका नेता धातु है तन क्रयादि गण क्रीधन आदि इति क्रयादि बनता है तो इसका नेता धातु है क्री और गण तो चुर आदि गण तो चूर क्या है इसका नेता धातु है तो नेता धातु के आधार पर इन गणों का नामकरण किया गया है ये जो विभिन्न गण हैं किन किन गणों में कितनी कितनी धातुएं हैं इसकी जानकारियां हमें होनी चाहिए तो आइए देखते हैं गण कहते हैं गण में एक हज़ार दस दस अधिक सहस्रम धातु संति मैंने एक हजार दस जो हैं गण में हैं इसी तरह से अदादिगण में बहत्तर द्वि सप्तति धातु सन्ती गण में चौबीस धातुएं हैं दिवादिगण में एक सौ चालीस धातुएँ हैं स्वादिगण में चौंतीस धातुएं हैं तुदादिगण में एक सौ संतावन धातुएँ हैं इसी तरह से रूधादिगण में पच्चीस धातुएं हैं तनादिगण में दस धातुएं हैं क्रयाधिगण में इकसठ धातुएं हैं चुराधिगण में 410 धातुएं हैं तो इस तरह से संस्कृत में कुल धातुओं की संख्या आप देख रहे हैं गणना कर सकते हैं इसके आधार पर हम कह देंगे कह सकते हैं कि संस्कृत में एक हज़ार नौ सौ तिरालीस धातुएँ हैं लेकिन सामान्य रूप से यह कथन किया जाता है कि आ, संख्या की ठीक ठीक जानकारी नहीं होने के कारण से यह कह दिया जाता है कि संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं मतलब 1900 से अधिक हैं इसलिए लगभग 2000 धातुएं हैं ऐसा कहा जाता है ये जो धातुएं हैं इनके रूप बनते हैं जिन्हें हम धातु रूप के नाम से जानते हैं धातु रूप कैसे बनते हैं धातु रूप जो होते हैं वे विभिन्न लकारों में बनते हैं संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है जानते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने संस्कृत में दस लकार होते हैं ये दस लकार कौन कौन से होते हैं दस लकारों में हैं लटलकार लिटलकार लंगलकार लोटलकार विधि लकार लिचलकार लकार, 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 लिंग लकार, लकार, लकार लेचलकार लिंगलकार लिंग लकार और लुंग लकार तो इस तरह से ये दस लकार हैं इसका हिंदी नाम क्या होगा जैसे हम कहते हैं लकार कह रहे हैं तो लट लकार को कहा जाता है वर्तमान काल लिट लकार कहते हैं इसको कहा जाता है काल लंग लकार हम जिसको कहते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल ऐसे ही लोट लकार लोट लकार जो है इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में इस लकार के रू धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है ऐसे ही विधिलिंग विधिलिंग जो है अनुज्ञा या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है लीट लकार लिट लकार का प्रयोग जो है अनद्यतन परोक्ष भूत काल के अर्थ में किया जाता है लूट लकार का प्रयोग अनद्यतन भविष्य काल के अर्थ में किया जाता है लेट लकार इसका अर्थ वेदों में लेच लकार का प्रयोग जो है प्रायः हमें वेदों में देखने को मिलता है और ये इसका प्रयोग जो है ईश्वर की आराधना आदि के लिए किया जाता है ऐसे ही लिंग लकार लिंग लकार का प्रयोग जो है आशीर्वाद के रूप में किया जाता है आशीर्वादात्मक वचनों के लिए किया जाता है और है लुंग लकार लुंग लकार का प्रयोग जो है सामान्य भूतकाल के अर्थ में किया जाता है तो ये जो विभिन्न दस लकार हैं इन दस लकारों को हम कैसे जान सकते हैं आइए इसके लिए देखते हैं एक विधायक सूत्र है वो है लट वर्तमाने लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा फिर से एक बार लट वर्तमाने लेट वेदे भूते रिंग लंग लिटस तथा विद्या विध्याशीसौ तू लिंग लोट लुट लिट भविष्यति तो इस श्लोक में आप देखें ये जो विधायक सूत्र है इसमें पूरे दस लकार जो हैं उनका प्रयोग हो गया और साथ साथ इसका अर्थ कैसे होगा वो भी बता दिया गया जैसे लट वर्तमान लट लकार का प्रयोग जो है वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है लेट वेदे अर्थात लेट लकार का प्रयोग जो है वेदों में किया जाता है और लुंग लंग और लिट का प्रयोग जो है भूतकाल के अर्थ में किया जाता है सीसौ तु लिंग लोटौ विधिलिंग और आशिल का प्रयोग जो है क्या कहा जाता है ये चाहिए अर्थ में किया जाता है अनुज्ञा के अर्थ में किया जाता है और लोट लोट का प्रयोग जो है आज्ञा अर्थ के रूप में किया जाता है इसी तरह से लुट लिट और लिंग च भविष्यति लुट लकार लिट लकार और लिंग लकार का प्रयोग जो है काल के अर्थ में किया जाता है देखिए इन दस लकारों को हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं जान सकते हैं याद रख सकते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा इसके लिए आप जैसे स्वरों की हम बात करते हैं स्वरों को आप जानते हैं जैसे जिन स्वरों को हम जानते हैं उनमें से पहला स्वर है अ फिर आपको लेना है ई फिर ऊ फिर री ए और ओ देखिए ये जो छह स्वर आप देख रहे हैं अ ई ऊ री ए और ओ ये छह स्वर हैं इन छह स्वरों को आपको ध्यान में रखना है और इसके आधार पर दस लकारों को आप जान सकते हैं कैसे आ, इन स्वरों के आधार पर आ, हम यह कहेंगे कह सकते हैं कि जो लट है लट जो है वो कितने हैं लट जो है छह प्रकार के होते हैं और लंग जो हैं वे चार प्रकार के होते हैं ये कैसे देखिए जैसे लट कहते हैं तो अ स्वर जो है उसमें अ की मात्रा है तो लट के साथ में हम अ कर योग करें क्या हो जाएगा वो लट तो ये हो गया लट को बता दिया अर्थात तो लट लकार को बता दिया और इसी तरह से लट में ई देखिए ये जो स्वर है इसका योग कहाँ करना है इसका योग आपको जो ल है उसके साथ करना है और इसके सहारे हम विभिन्न दस लकार जो हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे जैसे अ में अ की मात्रा है तो लट हो गया ये और ई में ई की मात्रा है तो लट में आप ई का योग कर दीजिए ल में ई का योग करना है तो क्या हो जाएगा वो वो बन जाता है लिट तो लट लिट इसी तरह से उ लम उ जोड़ना है तो क्या हो जाएगा वो लूट हो गया री को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा रिट ए को जोड़ेंगे तो लेट और ओ को जोड़ते हैं तो लोट तो इस तरह से ये जो छह लकार हैं वो बन गए किससे छह प्रकार के जो लट हैं वो कैसे हो गए लट लिट लूट रिट लेट, लेट और लोट ये छह प्रकार के लकार हो गए इसी तरह से चार प्रकार के लंग हैं इनको कैसे करेंगे इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ा है ये जो आ, स्वर क्रम से जो दिए हुए हैं इन क्रम से दिए हुए स्वरों का की मात्राओं का योग ल के साथ करना है तो आइए देखते हैं पहला लंग के साथ करें तो लंग हो गया ये और फिर ई का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा लिंग हो जाएगा ऊ के साथ करेंगे तो लुंग हो जाएगा री के साथ करेंगे तो लिंग हो गया तो इस तरह से ये छह और चार दोनों मिलकर दस प्रकार के लकार हो गए हैं लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित लकार हैं वे पांच हैं आ, कभी कभी एक प्रश्न यह भी उठता है कि जिनको हम लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं लट लकार भविष्य काल कहते हैं ये जो काल हम विभिन्न काल कहते हैं इनको उसमें लकार कहा गया है संस्कृत में लकार कहा जाता है लकार क्यों कहा जाता है हिंदी में जिसको हम काल कहते हैं उसको संस्कृत में लकार क्यों कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ये जो दस लकार देख रहे हैं ये सभी का प्रारंभिक वर्ण जो है वो क्या है ल से हुआ है इसलिए इसको हम लकार कहते हैं जैसे हम कहते हैं अकार क्रम से वर्णों को लिखिए कहते हैं तो अकार क्या हुआ अ जो है नेता है वो प्रारंभिक वर्ण है इस कारण से उसके बाद जितने आते हैं वो सबको हमने कह दिया अकार कह देते हैं इसी तरह से जैसे ककार कहते हैं या क वर्ण जिसको हम कहते हैं ककार कहते हैं च वर्ग को चकार कहते हैं तो इस तरह से अकार मतलब अ से प्रारंभ होने वाले वर्ण इसी तरह से यहाँ पर लकार का तात्पर्य ल से प्रारंभ होने वाले शब्दों से है तो यहाँ जितने लकार देख रहे हैं वो सभी का प्रारंभिक वर्ण जो है ल है इसलिए हिंदी में हम जिसको काल कहते हैं उसको संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है आइए, अब बात करते हैं। अभी वर्तमान में लौकिक संस्कृत में जो प्रचलित लकार हैं वे पांच हैं कौन कौन से पांच प्रकार के हैं वे पांच लकार हैं लट लकार लट लकार फिर लिट लकार लंग लकार लोट लकार और विधि लिंग लकार तो ये पांच लकार जो जो है अभी प्रचलित हैं। आज हम अध्ययन करेंगे वो पांच लकारों पर आधारित अध्ययन करेंगे जो विभिन्न धातुएं हैं इन धातुओं को विभिन्न पदों में भी वर्गीकृत किया गया है जैसे हम देखते हैं परस्मय पद और आत्मने पद ये दो लकार हैं इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसे होती हैं ऐसे भी होती हैं जिनका प्रयोग परस्मय पद में भी होता है और आत्मने पद में भी होता है तो ऐसी जो धातुएं होती हैं इन्हें हम उभय पदि धातुओं के नाम से जानते हैं तो पद के आधार पर धातुओं के तीन भेद हुए कौन कौन से परस्मय पद आत्मने पद और उभय पद परस्मय पदि जो हैं उनमें से हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उन धातुओं में से है नृत्य इसका तात्पर्य होता है नृत्य करना फिर क्रोध क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना लिख लिख का मतलब होता है लिखना मिल मिल का तात्पर्य होता है मिलना ये सभी परस्मयी पदि धातुएं हैं आत्मनिपदी धातुओं में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं वृत्त व्रत माने होना और रुच रुच मतलब रुचना या अच्छा लगना ये आत्मनिपद की धातुएँ हैं उभयपदी जो धातुएँ हैं उनमें क्री क्री मतलब करना कथ कथ मतलब कहना और भक्ष भक्ष मतलब खाना या भक्षण करना ये तो ये उभय पदि हैं तो इन धातुओं का अध्ययन आज हम करेंगे प्यारे बच्चों ये जो धातुएं हैं तो आइए हम प्रारंभ करते हैं परस्मय पदि धातुओं से परस्मय पदि धातुओं में हम देखते हैं नृत्य नृत्य न्रित मतलब नृत्य करना इसका लट लकार लट लकार अर्थात वर्तमान काल वर्तमान काल में इसका रूप क्या बनेगा वो देखेंगे तो देखिए मैंने पहले बताया कि जो धातु रूप हैं वे तीन पुरुषों में बनते हैं कौन कौन से पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसी तरह से तीन वचनों में धातु रूप बनेंगे एक वचन द्विवचन और बहुवचन तो नृत्य धातु का लट लकार का तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप कैसे बनेगा देखते हैं प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष में नृत्य धातु का रूप बनता है नृत्यति नृत्यतः नृत्यंति नृत नृत्यसी नृत्यथ नृत्यथ उत्तम पुरुष में होगा नृत्यामि नृत्यावह नृत्याम तो इस तरह से ये रूप बन गए अब इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यह कौन से पुरुष में बन रहा है यह सभी प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष में नृत्यति नृत्यता नृत्यंत इस तरह से रूप बना है तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है नृत्यति यह क्रिया है तो अर्थात एक वचन क्रिया के साथ में एक वचन कर्ता का प्रयोग किया जाएगा तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है कौन कौन से हैं कर्ता जैसे आपका अपना नाम है वो भी क्या है प्रथम पुरुष है तो आप अपने नाम के साथ में उसको नृत्यति ये लगा सकते हैं अपने नाम का प्रथम विभक्ति एक वचन लीजिए और प्रथम विभक्ति एक वचन का क्रिया आपको यहां दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग करेंगे दोनों का योग करें और वो बन जाएगा जैसे यदि आपका नाम मोहन है तब आप क्या कहेंगे तब हम कहेंगे मोहन नृत्यति यदि आपका नाम राधा है तब क्या कहेंगे राधा नृत्यति यदि किसी का नाम हमको नहीं पता है नाम के स्थान पर देखिए संज्ञा हमको पता नहीं है और उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करना चाहें तब वहां पर हम क्या कहेंगे तब हम कहेंगे जैसे मोहन मोहन नृत्य यह वाक्य है लेकिन कौन नृत्य कर रहा है यह हमको जानकारी नहीं है लेकिन कोई पुरुष है पुर्लिंग है यह जानकारी है तब वहां पर हम कहेंगे सह नृत्यति राधा नृत्यति कौन नृत्य करती है जानकारी नहीं है तब वहां पर हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम का राधा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और कहेंगे सा नृत्यति तो इस तरह से हम एक वचन कर्ता के साथ में नृत्यति क्रिया का प्रयोग करके विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं ऐसे ही द्विवचन नृत्यतः जैसे बालक दो बालक नाचते हैं नृत्य करते हैं तब क्या कहेंगे बालको नृत्य तह दो बालिकाएं नाचती हैं तब क्या कहेंगे बालिके नृत्यतः बालिके के स्थान पर यदि हमको सर्वनाम का प्रयोग करना होगा तब क्या कहेंगे वहां पर हमने शब्द रूप में अध्ययन किया सा ताह तो द्विवचन में एक वचन में हम जो सा कहते हैं स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन में क्या हो जाता है ते तो ते नृत्यतः ये स्त्रीलिंग का वाक्य हुआ ऐसे ही बहुवचन के वाक्यों को देखते हैं जैसे बालक बहुत से बालक नृत्य करते हैं तब क्या कहेंगे बाल का नृत्यंती तो बालक के स्थान पर यदि हमको सर्वनाम का प्रयोग करना होगा तो जैसे बालक के लिए हम कहते हैं सह तो सह तो ते बहुत से बालक कह रहे हैं तो बहुवचन है तो इसलिए एक वचन सह होता है इसका बहुवचन क्या हुआ ते तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे ते नृत्यंती बहुत सी बालिकाएं नाचती हैं तब क्या कहेंगे बालिका नृत्यंती और बहुत सी बालिकाएं जो हैं इसके स्थान पर हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है तब हम कहेंगे सा ता, तो ताह नृत्यंती तो इस तरह से विभिन्न वाक्यों की रचना हम कर पाएंगे आइए मध्यम पुरुष की चर्चा करते हैं मध्यम पुरुष में आप देख रहे हैं रूप है नृत्य से नृत्यथ नृत्यथम न्रित्यत। नृत्य तुम तो नाचते हो तुम दोनों नाचते हो तुम दोनों नाचते हो यह वाक्य है इसके लिए क्या कहेंगे युवाम नृत्यथ तुम सब नाचते हो तुम सब नाचते हो यह वाक्य है इसको क्या कहेंगे इसके लिए कहेंगे यूयम नृत्यथ इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरह से क्रिया पदों की सहायता से हम विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं आइए उत्तम पुरुष देखते हैं उत्तम पुरुष में तीन शब्द हैं कौन कौन सा अह आह, अहम आवाम और अहम आवाम और वयम ये तीन शब्द हैं इनकी सहायता से हम वाक्य बना सकते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उत्तम पुरुष का कर्ता हम ले रहे हैं तो जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्रिया है या धातु है नृत्य तो नृत्य धातु का उत्तम पुरुष एक वचन लेते हैं अहम के लिए मैं नाचता हूँ या मैं नृत्य करता हूँ तब क्या कहेंगे तब उसके लिए कहेंगे अहम नृत्यामी हम दोनों नाचते हैं तब क्या कहेंगे हम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है आवाम आवाम नृत्यावह और हम सब नाचते हैं या हम सब नृत्य करते हैं ये वाक्य है तब क्या कहेंगे हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है वयम वयम नृत्यामह है ना बड़ा सरल तो प्यारे बच्चों जैसा भी हमने अध्ययन किया नृत्य धातु लट लकार का रूप आइए एक बार पुनः देखते हैं नृत्यति नृत्यतः नृत्यंति नृत्यति नृत्यतः नृत्यतः नृत्याम नृत्यावह नृत्याम तो ये हो गया नृत्य धातु लट लकार का रूप इसी तरह से हम जैसे क्रूध कहें क्रूध धातु का रूप लेंगे तब वो कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं नृत्यति नृत्यतः नृत्यंति तो यहाँ पर ती तह अंति ये आप देख रहे हैं इसी तरह से मध्यम पुरुष में देखें सी थ था था। और उत्तम पुरुष में है आमि आवह आमह तो ये जो है ये प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों को आप ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर इसको विभिन्न धातुओं से योग करेंगे तो उन धातुओं के रूप भी लट लकार में बन जाएंगे जैसे ये जो प्रत्यय हैं तह तंति सी थ आमि आवह आम इन प्रत्ययों को आप यथावत रखिए और इसके साथ में जैसे हम नृत्य का योग किया था वैसे ही क्रुध का योग करें तो वहां पर रूप क्या बन जाएगा देखिए क्रुध से क्रुध्य ये रूप बनेगा यह जो है वह विकरण आका आगम हो जाएगा फिर वहां पर रूप बन बनेगा, बनेगा क्या क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यंते क्रुध्य से क्रुध्यथ क्रुध्यथ क्रुध्यामि क्रुध्याव क्रुध्याम ये क्या हो गया क्रुध धातु का रूप बन गया ऐसे ही लिख लिख धातु है इसका जब हमको रूप बनाना होगा तो लटलकार में लिख मतलब लिखना तो वहाँ हो जाएगा क्या लिखती लिखतः लिखंती लिखसी लिखथ लिखत लिखामि लिखावह लिखामह बस ये एक साँचा है कौन सा साँचा है तीत अंति सी थ आमि आवह आमा ये एक साँचा है इस साँचा को आपको यथावत रखना है और इसमें विभिन्न धातुओं का योग करना है और ऐसा करते जाएंगे आप लट लकार के रूप बनाते चले जाएंगे जैसे वह लिखता है कहेंगे तब क्या कहेंगे उसके लिए सह वह लिखता है सह लिखती वे सब लिखते हैं तो वे सब के लिए क्या कहेंगे वे सब के लिए ते लिखंती तो इस तरह से सरल सरल वाक्यों की रचना आप इन धातु रूप क्रिया पदों की जानकारी से और धातु रूपों की जानकारी होने पर आप सरलता से कर पाएंगे आइए मिल मिल का मतलब होता है मिलना मिल धातु का तात्पर्य होता है मिलना इसका लचलकार में रूप देखते हैं प्रत्यय आपके वही रहेंगे ती तह अंति सी थ आमि आवह आमह इसमें आपको केवल मिल का योग करना है ये परस्मय पदि है, धातु हैं ध्वाधिगण की धातुएँ हैं इसलिए इसमें अविकिरण का योग होगा और फिर वहाँ पर बन जाता है मिल और उसमें आपको क्या करना है ती, ती को जोड़ना है तो मिलति मिलत मिलंति मिलसी मिलथ मिलथ मिलामि मिलावह मिलामह तो इस तरह से इसके रूप बन गए ऐसे ही परश्मी पदधातों की चर्चा भी हमने की